हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इट कैन बी लाइफ सेविंग। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आज वीडियो हम लोग बना रहे हैं वर्चुअल ऑटिज़म में, आप इस टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे और इवन अपने रिश्तेदारों में भी, रिलेटिव्स में भी, या आप किसी पेरेंट्स के ग्रुप को जानते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि हम बच्चों को सेव कर सकें इस वर्चुअल ऑटिज़म टर्म से और इस डिसऑर्डर से ऑल्सो। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में वर्चुअल ऑटिज़म है क्या, हम अपने बच्चों को वर्चुअल ऑटिज़म से कैसे सेव कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम यूज़ करें तो अपने बच्चे को हम बाहर निकाल सकते हैं वर्चुअल ऑटिज़म से। सो इस वीडियो में मैं अपने व्यू पॉइंट्स दूंगी और साथ में डॉक्टर रजिता आपको स्ट्रेटजीज बताएंगी कि किस तरीके से हम वर्चुअल ऑटिज़म से अपने बच्चों को सेव करेंगे, राइट? सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्चुअल ऑटिज़म है क्या। देखिए, दो तरीके का ऑटिज़म है, वन इज़ क्लासिक ऑटिज़म एंड द अदर थिंग अदर टॉपिक इज़ वर्चुअल ऑटिज़म। क्लासिक ऑटिज़म को हम बहुत जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, ओके, क्योंकि ये 6 to 9 months में भी हम बच्चे को देख सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को आवाज़ लगा रही हूँ, बच्चा मेरी तरफ़ देख नहीं रहा, रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं है, आई कॉन्टेक्ट नहीं है, वो सोशल स्माइल नहीं है, क्योंकि बच्चे मोस्टली इस एज में आके आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ क्लासिक ऑटिज़म। मैं इवन आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी सो दैट यू कैन ईजिली कनेक्ट विद अस, राइट? दूसरा है वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म मीन्स, वर्चुअल मीन्स नो रियलिटी, ओके? तो वर्चुअल मीन्स कि जो स्क्रीन टाइम बहुत एक्स्ट्रा देने से जब आपका बच्चा लॉस्ट हो रहा है, ओके, और उसमें सारे ऑटिज़म जैसे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करता है, आपकी बातों को में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, लॉस्ट रहता है, आई कॉन्टेक्ट नहीं है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके साथ कोई है कि नहीं है, विजुअल स्टिमिंग बहुत बढ़ गई है, लाइट्स को फिल्टर कर रहा है, यू नो, कार्स के व्हील्स देख रहा है। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करना है कि ये जो वर्चुअल ऑटिज़म है वो बच्चे में बर्थ से नहीं था, ठीक है? बहुत सारे पेरेंट्स बहुत कन्वीनियंटली, मैं एक्चुअली ना यहाँ पे आई एम नोबडी कि मैं पेरेंट्स को ब्लेम करूँ कि आपने इतना एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम क्यों दिया। मैं ये चाहती हूँ कि अभी जो हो गया, जिन बच्चों के साथ हो गया, उनका डेफिनेटली थेरेपिस्ट चल रहा होगा, आप लोग रिकवरी पे होंगे, बट जिन बच्चों को हम अभी भी बचा सकते हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ में हम लोगों का हेल्प करें। हम हर तरीके का एंटरटेनमेंट, यू नो, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम यूट्यूब पर देख रहे हैं, बट प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस कोविड के टाइम में, और मैं कोविड भी बोलूँगी, और इतना इस बार विंटर है कि हम लोग बच्चों को घर पे ही लॉक करके बैठे हैं, तो उस अगेन वो वाला स्टेज आ गया है कि हम लोगों को अपने बच्चों को घर में बिठाने के लिए स्क्रीन टाइम देना पड़ रहा है कि कम से कम बच्चा बैठा तो है। बहुत कन्वीनियंटली हम ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैम कम से कम चोट तो नहीं लगवा रहा, कम से कम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने उसको स्क्रीन टाइम दे के रखा। आप लोग ना इमेजिन नहीं कर सकते, हम लोगों के पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मैम हम रात को मेरा बच्चा नहीं सोता, क्योंकि उस बच्चे को ओटी चाहिए, उस बच्चे को सेंसरी इंटेग्रेशन थेरेपी चाहिए, क्योंकि उस बच्चे का स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं है, जिसको हम बायोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, तो इसलिए बच्चा रात को नहीं सो रहा। और पेरेंट्स कहते हैं कि मैम हम अपने बच्चे को, अब हमारे पास सोने का एक ही तरीका था, ये आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, ओके, कि हम उस बच्चे को फ़ोन दे देते थे, हम उतना टाइम सोते थे जितना मोबाइल में बैटरी जिस टाइम तक रहती थी, बैटरी ख़त्म होते ही मेरा बच्चा चिल्लाना स्टार्ट हो जाता था और तब मेरे को पता चलता था कि अच्छा, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है तो अब हमें जागना पड़ेगा और अपने बच्चे को हैंडल करना पड़ेगा। मीन्स कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही डिसहार्टनिंग है, यू कैन से, मीन्स दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म हो जाता है ना, तो आप लोग अपना, क्या बोलूँ, आप लोग अपना लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम इस चीज़ को इग्नोरेंस पे डाल के बैठे हैं कि 6 घंटा देख रहा है, 8 घंटा टीवी देख रहा है, 12-12 घंटे बच्चे टीवी देख रहे हैं। फिर बहुत सारे पेरेंट्स, और एक इसका सबसे बड़ा सिम्टम वर्चुअल ऑटिज़म का ये है कि आपका बच्चा जन्म से बिल्कुल सही रहा। आप लोग बहुत, मेरे को लगता है 70% केसेस में आप लोग यही शिकायत लेके आते हैं कि मैम प्लीज़ मेरे को ना ये चीज़ थोड़ा अच्छे से समझाओ,
कि ये कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चे के माइलस्टोन्स बिल्कुल सही वर्चुअल ऑटिज्म में एक्चुअल में ऐसे हैं, कोई भी माइलस्टोन्स बच्चे का डिले नहीं होगा एक्सेप्ट दिस पार्ट, यू नो, लॉजिकल रीजनिंग कॉग्निशंस, ओके, जिसके लिए ग्रे मैटर रिस्पॉन्सिबल है। अभी क्या है, आप लोग फिर पूछते हैं कि मैम ये तो बोलता था मेरा बच्चा 1.5 साल में 2 साल में वर्ड्स बोलता था, पर्सन्स को पहचानता था, मैं उसको कहती थी कि कटोरी जाओ पापा को देख के आओ, ये रोटियां देके आता था अंदर, ये करता था, ये वो करता था। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर पार्ट, बट जब हम आपका हिस्ट्री खोलते हैं ना, तब आप लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि यस मैम, हमने अपने बच्चे को 6 से 8 घंटे का स्क्रीन टाइम दिया है। ठीक है जी, तो प्लीज़ अब अगर बच्चे को हो चुका है दिक्कत, तो थोड़ा सा हम एम्पथी फैक्टर लेके आएंगे, थोड़ा सा सोसाइटी में रह रहे हैं, थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, कम से कम दूसरों के बच्चों को सेव कीजिए जो गलती आप कर चुके हैं। वीडियो का एक एक शेयर आप लोग आज प्लीज़ मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, अब आपको मैं बताती हूँ कि वर्चुअल ऑटिज़म एक्चुअल में होता कैसे है। द थिंग इज़ कि जो 0 to 5 years का एज है, ये सबसे लर्निंग का एज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ मेंटली फिजिकली इस एज पे ही होगी। उस टाइम पे बच्चा स्क्रीन लेके बैठा हुआ है, और वो भी कभी मोबाइल का स्क्रीन, कभी टीवी का स्क्रीन, बोथ आर सेम। आप लोग कभी बार एक्सक्यूज देते हैं, स्क्रीन इज स्क्रीन एक्चुअली, इधर इट इज़ फ्रॉम टैबलेट, इधर इट इज़ फ्रॉम दिस फोन, इधर इट इज़ फ्रॉम ये टीवी, ओके, स्क्रीन इज स्क्रीन। अगर आप बच्चा फ़ोन इतनी नज़दीक देख के बैठा है, तो फिर आप पूछते हैं कि मैम विजुअल स्टिमिंग कैसे आ गई, मेरे बच्चे का आई कॉर्नर कैसे आ गया? क्यों नहीं आएगा, पहले तो मेरे को ये बताइए। अगर फ़ोन बच्चा इतना पास लेके बैठा है, उसमें पिक्चर्स इतनी जल्दी जल्दी जा रही हैं, तो विजुअल कितना बढ़ रहा है बच्चे का, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। क्योंकि जो वो बातें कर रहे हैं, वो तो आपका बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, उसका इंटरेस्ट सिर्फ कलरफुल पिक्चर्स की तरफ है, और उसका एक पैटर्न चलता जा रहा है उस चीज़ पे है, पैटर्न चलता जा रहा है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फिर हम कहते हैं कि मैम ऑटिज़म में रेपिटेशन क्यों है इतना, क्यों बच्चे पैटर्न्स को लेके इतने फैसिनेट होते हैं? अभी आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसा फिर क्यों होता है, क्यों बच्चे व्हील्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि पैटर्न इज़ लाइक गोइंग लाइक दिस ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड 0 to 5 years का जो एज है, उसमें एक छोटा सा बच्चा अपने सेंसेस को एक्सप्लोर करता है, टच करके, सुनकर, फील कर, टेस्ट करके, और उस टाइम पे आपका बच्चा अगर 8-8 घंटे का स्क्रीन टाइम ले रहा है, तो उसको ऑटिज़म ही होगा। ठीक है जी, तो अभी आप अपने बच्चे का देखिए, मैं आपको एक और फैक्ट बताती हूँ। सपोज़ आपका बच्चा 2.5 साल का हो गया, क्योंकि हम कहते हैं ना 2.5 साल के बाद एक डॉक्टर आपको लिख के दे सकता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है कि नहीं है। ठीक है जी, तो 2.5 साल के बाद सपोज़ आप एक हॉस्पिटल में गए, वो आपको कहते हैं कि अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 कर दें, या आप किसी से सुन के या जैसे भी आपने स्क्रीन टाइम बंद किया। आप लोगों का जब भी हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि मैम मैंने ना 15 दिन से स्क्रीन टाइम बंद किया है, और यू कांट बिलीव कि मेरे बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि आप लोग सच जानते हैं ऑलरेडी, बट अभी ठीक है, हम ऑटिज़म को क्योर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी भी जो न्यू मदर्स हैं, या जिनके अभी बच्चे 3 महीने, 2 महीना, यू नो, 8 महीने के बच्चे हैं, कम से कम वो मदर्स अगर इस टाइम पे यू नो थोड़े से अवेयर हो जाएं, तो हम इस ऑटिज़म जैसी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। क्योंकि जब से कोविड आया है, वर्चुअल ऑटिज़म के केसेस इतने राइज हुए हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो 0 to 5 साल के बच्चों को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोज़र दें, ताकि वो अपनी सेंसेस से इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, रेदर देन एक छोटी सी यू नो क्या बोलें, एक छोटी सी स्क्रीन के साथ उनको सब कुछ दिया जा रहा है। उनको रिलेशंस का आइडिया नहीं है, कि इमोशंस अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। वॉर्म्थ एक माँ की होती है, एक फादर की वॉर्म्थ होती है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वी ऑल आर बिज़ी अपने अपने कामों में। मेरे को लगता है फिर प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, अवेयरनेस में मेरा साथ दें, ओके। एंड अभी हम मैं ये कहती हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि आप स्क्रीन टाइम 0 करें। अगर आप 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो उसको भी इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करें। इंटरेक्टिव मींस आप स्क्रीन ऑन कर रहे हैं, उसका ऑडियो बंद कर दें, आप बोलेंगे साथ साथ, दिस कैन ऑल्सो बी अ पार्ट। क्योंकि बच्चा इज सो मच एडिक्टिव टू द स्क्रीन टाइम, कि आप अगर 15 घंटे से सीधा आप 1 घंटे पे आएंगे, तो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगेन द बच्चा विल बी फ्रस्ट्रेटेड, वो स्ट्रेस में जाएगा, वो अपना जो गुस्सा है वो आप लोगों पे प्रोजेक्ट करेगा। सो यू कैन डू वन थिंग,
जस्ट कट आउट द 15 आवर्स वाला स्क्रीन टाइम इनटू 1 आवर एंड अपना वॉइस को आप नरेट करेंगे, ऑडियो बंद करेंगे, सो दैट कि अगर बच्चा स्क्रीन से सीख रहा है पर वो उसका टू वे इंटरेक्शन रहे. ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से इनपुट था. रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोबारा, और बच्चों को प्लीज़ सेव करिए वर्चुअल ऑटिज़म के डायग्नोसिस से, क्योंकि ये इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, बहुत लंबी जर्नी है, तो कम से कम औरों को बचा सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो बाकी का स्ट्रेटजीज और अदरवाइज जो लॉजिकल रीज़न है वो आपको डॉक्टर रजिता कंटिन्यू करेंगी. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रजिता अकुला, योर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ. अगेन कोविड केसेस आर ऑन हायर साइड, सो होप यू ऑल आर सेफ. सो आज का टॉपिक कोविड के रिलेटेड ही है. लास्ट कोविड मतलब जब फर्स्ट वेव था तब लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे बच्चे फेल इनटू द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम में आ गए थे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि स्क्रीन टाइम के वजह से एक तो पेरेंट्स अपना वैल्यूएबल टाइम बच्चों को नहीं दे पाए क्योंकि उनका भी वर्क फ्रॉम होम था एक ये रीज़न, और एक दूसरा रीज़न वो बाहर नहीं जा सकते थे. तो उनका क्वेश्चन ये था कि पूरे टाइम हम बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें. तो बच्चे वॉज प्लेइंग इन देयर ओन वर्ल्ड, ठीक है, उनके ओन वर्ल्ड में वो लोग घर पे या तो टीवी या तो फ़ोन या तो खुद से कुछ टॉयज रख के खेलना, ये सब हुआ था. इसके वजह से 0 to 5 years इज द एज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड ब्रेन डेवलपमेंट टू. तो जब ये इस एज में जब डेवलपमेंट का एज है तब उनको जब प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं मिलता है, प्रॉपर उनको नहीं मिलता है कि लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं किया, या तो उनको सेंसरी जो है सेंसरी इनपुट्स उनको जितने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं इस एज में, सो दे फॉल इनटू द स्पेक्ट्रम. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्चुअल ऑटिज़म विच इज़ वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ कोविड. ठीक है, लास्ट जब फर्स्ट वेव था तब फर्स्ट वेव जब कोविड था तब इतने सारे बच्चे स्पेक्ट्रम में आए वो अभी बाहर आ रहे हैं, राइट. अभी हमारे पास आते हैं तो दे आर लाइक मैम हमारा बच्चा 18 मंथ्स तक ही वॉज वेरी नॉर्मल, ही वॉज रिस्पॉन्डिंग टू नेम, ही वॉज हैविंग वेरी वेरी गुड आई कॉन्टैक्ट, ही वॉज हैविंग वेरी गुड वोकैबुलरी, राइट. दे आर शोइंग वीडियोज एंड इट इज़ वेरी पेनफुल, राइट. हमें सुनने के लिए भी बहुत पेनफुल लगता है जब पेरेंट्स वीडियो दिखा के बोलते कि देखो मैम ही वॉज दिस मच नॉर्मल, राइट. सो क्या होता है ना, वर्चुअल का मीनिंग क्या है, विच इज़ नॉट रियल. तो वो लोग स्क्रीन को देख के दे आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, ओके, उसको फील नहीं कर सकते, वो लोग महसूस नहीं कर सकते, दे आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, इट इज़ नॉट रियल, जस्ट दे आर गेटिंग विजुअल स्टिमुलेशन एंड ऑडिटरी स्टिमुलेशन. उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्क्रीन पे क्या चल रहा है, बस देख रहे हैं, कलर्स दिख रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, राइट. तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा, वो लोग वो जो लैंग्वेज वो लोग का डेवलप होता है ना वो भी बहुत स्क्रिप्टेड लैंग्वेज डेवलप होता है. जो टीवी में एड्स आते हैं, जो वो लोग कार्टून पेपा पिग व्हाटएवर कोकोमेलन स्टोरीज व्हाटएवर जो बच्चे देखते हैं वही वो लोग रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ना ही बात की है पेरेंट्स से. 4 आवर्स से ज़्यादा अगर 1 to 5 years बिलो 1 ईयर और 0 to 5 years के बच्चे को अगर 4 आवर्स से ज़्यादा हम लोग स्क्रीन टाइम दे दिए देन देर आर 99% चांसेस कि बच्चे को ऑटिज़म हो. सो दिस इज़ नॉट क्लासिकल ऑटिज़म. और इसमें गुड न्यूज़ ये है कि ये एनवायरमेंटल कॉज है तो इसका जो इम्प्रूवमेंट रेट है वो ज़्यादा होगा, ओके. सो ये इस अभी भी कोविड केसेस बहुत ज़्यादा है और लॉकडाउन होने के चांसेस भी है, अभी भी पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम है, सो देर आर मैनी चांसेस कि और भी बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में आए. सो ये ना हो इसलिए वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू हेल्प आउट पेरेंट्स हाउ टू इन्वॉल्व देयर किड्स. मनिंदर मैम ने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आपके किड्स को कैसे इन्वॉल्व करना है. तो प्लीज़ पेरेंट्स डोंट गिव स्क्रीन टाइम टू योर चिल्ड्रन. इट्स ओके इफ़ यू गिव 1 आवर इन अ होल डे, राइट. एक दिन में अगर 1 आवर देते हो तो इट्स राइट, स्क्रीन टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें उनको टीवी से भी सीखने को मिलती है, इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा ही नहीं देना चाहिए, 1 आवर इज़ ओके, राइट. सो स्क्रीन टाइम देने से क्या होता है ना कि बच्चे को जो रियल है उसका कुछ नहीं पता. अभी रियल के टॉयज़ को हम लोग टच करेंगे तो कुछ तो सेंसरी इनपुट हमारे अंदर जा रही है, राइट.
उसको स्मेल करेंगे, उसको देखेंगे, टच करेंगे, उसके पास जाएंगे, उससे खेलेंगे, मम्मी पापा से बात करेंगे, डिफरेंट कन्वर्जेशंस करेंगे, तो कितना डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। इवन लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट, सेंसरी इनपुट्स मिल रहे हैं, तो उसके वजह से सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम भी हमारा अच्छे से बन रहा है। लेकिन व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ टीवी, दैट इज़ नॉट रियल, ओके, वी आर जस्ट सीइंग विच इज़ नॉट, विच डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, ठीक है। तो वहाँ पे खाली दो इनपुट मिल रही है, उसका प्रोसेसिंग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग रियल थिंग को देख के टच करेंगे तो वो सेंसरी इनपुट हमारे अंदर जाके परसेप्शन बोलते हैं ना, कि इसका मैसेज अंदर जाके उसका कुछ रिएक्शन बाहर आता है, तो वो परसेप्शन है, तो वो तो लॉस्ट ही है जब बच्चा टीवी देख रहा है, क्योंकि वो तो बस देख रहा है, ना ही कुछ टच कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है, ठीक है। तो उसका रिटर्न मैसेज क्या आएगा? नल, राइट। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ वर्चुअल ऑटिज्म, इसके वजह से वर्चुअल ऑटिज्म होता है। दिस इज़ द एज ऑफ डेवलपमेंट, 0 to 5 years इज द एज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हमें बिल्कुल भी बच्चों को इसमें 4 hours, 3 hours, 2 hours, नो, वी शुड नॉट डू दैट एक्चुअली, ओके। अभी इसका मैकेनिज्म क्या है, जैसे स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है ना, तो ग्रे मैटर इन द ब्रेन, ओके, ग्रे मैटर जो होता है वो थिंकिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग डेवलपमेंट, और टेलीफोनिक लाइंस जो हमारी ऐसी होती है ना, वो ब्रेन में ऐसे होते, तो ये जो टेलीफोनिक लाइंस है ना, उनके कनेक्शन ही नहीं बनते टीवी से, ग्रे मैटर स्टार्ट गेट्स रिड्यूसिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट उनका लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, सेंसरी डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके वजह से उनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, और सारे सेंसेस में उनको या तो हाइपर होगा या तो हाइपो होगा। टीवी के वजह से बच्चा एग्रेसिव भी बहुत हो जाता है, स्क्रीन टाइम के वजह से हाइपर एक्टिव भी बहुत हो जाता है, ठीक है। हमारी बात नहीं सुनेगा, हमें समझेगा नहीं, और वो वही दुनिया में रहेगा, वो जो कार्टून है वैसे उसको स्क्रिप्टेड चाहिए, वैसे कार्टून उसको चाहिए रहेंगे। कहीं पे देखेंगे तो बहुत ज़िद करेगा कि हमें मुझे वो चाहिए। टीवी बंद कर दोगे तो वो ऐसी चीज़ें ढूंढेगा घर में जो उसने टीवी में देखी है, तो उन चीज़ों से खेलेगा, ठीक है। तो उन्हें, उनको मतलब ह्यूमन बीइंग से जो रिलेशन है ना, वहाँ पे कट हो जाता है पूरी तरीके से, एंड दे आर कनेक्टेड विद थिंग्स एंड गैजेट्स एंड टीवी ऑन ऑल, राइट। सो इसके वजह से सारे इश्यूज भी धीरे धीरे स्टार्ट होने लगते हैं, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट, उनका मतलब ये स्टडी वाइज भी बहुत पीछे होने लग जाता है, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन स्पान बिल्कुल लो हो जाता है। आप बोलोगे कि मैम मेरा बच्चा तो सब कलर्स पता है उसको, सब शेप्स पता है, सारे मतलब वो सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकता है, ओके, क्योंकि उसने वो सब टीवी में, राइम्स में सब कुछ देखा है, तो वो सब तो उसको आएगा, बट सोशल जो है दैट विल बी ज़ीरो, राइट। तो जितना आप प्रैक्टिकली सिखाओगे ना बच्चों को, उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्चुअल ऑटिज्म, कि उसका ग्रे मैटर बहुत डिक्रीज होते रहेगा डे बाई डे, और उसके ये सब जो सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम भी वीक होते रहेगा, उसको ज़्यादा इनपुट ही नहीं मिल रहा है, तो आउटपुट की तो बात ही नहीं होगी, राइट। सो दिस इज़ वेरी पेनफुल, कि एक टाइम पे आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, सब कुछ बोलता था, वन वर्ड बोलता था, सब कुछ एक्सप्रेस करता था, आपकी आँखों में देखता था, आप जो बोल रहे हो उसको आपकी बात मानता था, सडनली रिग्रेशन आ गया, इट इज़ वेरी पेनफुल, राइट। सो इसको अभी प्रिवेंट करने के लिए आप अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। सो इसके चांसेस नहीं रहेंगे। आप बोलते हो कि मैम पूरे दिन की क्या इन्वॉल्व करें, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ बिठाओ, उसके बातें करो, किचन में क्या आवाज़ आ रही है, डॉग देखो, डॉग जा रही है, डॉग कैसे आवाज़ कर रहा है। तो ऐसे जो प्रैक्टिकल थिंग्स है ना, ये बहुत छोटी छोटी है, मतलब बहुत सिली लगती है सुनने में, बट दिस हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि जो रियल वॉइस है एनिमल की वो उसके कान में जा रही है, जो रियल आवाज़ें घर पे आ रही है वो जा रही है, डिफरेंट चीज़ें उसको टच कराओ, सैंड से खिलाओ। हमारा बचपन कैसा था, राइट, जो 1990s के किड्स है, 80s के किड्स है, उनका बचपन कैसा था? तब तो हमारे पास कुछ फ़ोन या टीवी नहीं थे, तो हम लोग मिट्टी से खिलौने बनाना, टायर को व्हील बना के उसके साथ खेलना, ओके, घर घर खेलना, प्रिटेंड प्ले करना, फिर ग्रुप प्ले करना, ठीक है। तो आप ये सब
गोइंग टू रूट्स, जो पहले था ना आपके बचपन में, ओल्ड इज गोल्ड बोलते ना, तो यही है. ये प्ले अभी बहुत मिसिंग है आज के जनरेशन में, इसलिए भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. जो बच्चे टीवी नहीं देखें, वो अगर खुद में खेलेंगे तो भी यही होने वाला है. स्क्रीन टाइम नहीं दिया बट बच्चे को छोड़ दिया, वो खुद ही अपने आप में कुछ ना कुछ खेल रहा है, इंटरेक्शन नहीं है बिल्कुल पेरेंट्स और उसमें. ओके, तो भी वही होने वाला है. तो ग्रुप में बैठे बैठ के साथ में खाना खाओ, कुछ गेम्स खेलो. ओके, बहुत सारे पुराने गेम्स हैं, जैसे लूडो खेल सकते हो आप, तो उसमें नंबरिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग सब आएगा. उस बच्चे को समझाओ कि वो कैसे खेलते हैं, ठीक है. और आप आइस एंड वाटर खेल सकते हो, रनिंग खेल सकते हो, छुपा छुपी खेल सकते हो घर में. सो इतने सारे प्रैक्टिकल गेम्स हैं जो आप खेल सकते हो. किसी टॉपिक के बारे में बच्चे को समझाओ, ठीक है. सो ऐसे आपको वर्चुअल ऑटिज्म को ठीक करना है. जो आपने नहीं किया था वो अभी आपको करना है. सो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ वर्चुअल ऑटिज्म. प्रैक्टिकल वेज इज द ओनली वे टू ट्रीट, टू इंटरवीन वर्चुअल ऑटिज्म. ओके, आप उसको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करवाओ और साथ में ये करवाओ. और ज़्यादा पेरेंट्स क्या करते हैं ना, कि हम लोग ने अगर बोला कि बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व हो, आपको इन्वॉल्व होना है, राइट, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं, कलर्स की बुक लेके बैठ जाते हैं, एनिमल्स की बुक लेके बैठ जाते हैं. व्हाट इज़ दिस कलर, विच इज़ दिस कलर, व्हाट इज़ दिस एनिमल, व्हाट एनिमल इज दिस. ओके, सो ये नहीं करना है. जो वीडियो में देखा है उन बच्चे ने, वही आप रिपीट कर रहे हो, आप दूसरा नया क्या करवा रहे हो. ओके, सो जो वीडियो में उन्होंने देखा है वो पूरा उसको भुलाना है हमें. हमें उसको नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ उसको मिंगल करना है, राइट. सो आपके जो भी सिबलिंग्स है उसके साथ गेम्स खेलो, कंपटीशन टाइप करो, म्यूजिकल चेयर खेलो, घर पे कैरम खेलो. इंडोर गेम्स भी बहुत सारी है जो हम कर सकते हैं. ओके, किचन में आप काम कर रहे हो तो किचन में उसको इन्वॉल्व कर सकते हो कि बेटा मुझे मिर्ची दे दो, नमक दे दो, जो भी है दो, इसको ऐसे बनाते हैं, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस. खाना खा रहे हो तो उसके साथ में खाना खाओ, ताकि उसको भी ईटिंग हैबिट्स क्या है वो देख के सीखेगा. कुछ चीज़ें ना मॉडलिंग से सीखते हैं बच्चे, राइट. सो ये है इंटरवेंशन का तरीका. ओके, कि अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करो. सो इंटरवेंशन इज नथिंग बट गिव योर टाइम. पेरेंट्स टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट टू किड्स. ओके, पेरेंट्स टाइम अगर आप दोगे तो उससे अच्छी थेरेपी और कोई है ही नहीं, राइट. सो अगर उसका सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम भी अगर उसमें डिसऑर्डर है, तो आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलके उस बारे में बात करके उसकी थेरेपी आप स्टार्ट कीज करवाइए. और साथ में घर पे आप बच्चे को ऐसे इन्वॉल्व किए हैं. और मेनी थैंक्स टू मनिंदर मैम दैट शी इज़ प्रोवाइडिंग मेनी वीडियोस फॉर यू, कि आप बच्चों को इन्वॉल्व करें. अभी फिर से कोविड बहुत हो रहा है, तो इसलिए मैम ने भी बहुत सारे गेम्स और बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया है आपको. उसको यूज़ करिए, आपके बच्चे के साथ खेलिए. एंड प्लीज़ पेरेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि गिव योर टाइम टू योर किड्स, गिव योर वैल्यूएबल टाइम. अगर आप वर्क भी कर रहे हो ना, तो बच्चों के साथ बीच बीच में कुछ ना कुछ बात कीजिए, उसको स्क्रीन टाइम नहीं दीजिए. ओके, वन आवर दिन में चलेगा, देन दे विल गोइंग टू वर्चुअल ऑटिज्म, जो फर्स्ट पेंडेमिक में हो चुका है, राइट. सो ये टॉपिक आज लेने का यही मोटिव था कि फिर से बच्चे अभी और वर्चुअल ऑटिज्म में ना हो. क्योंकि हमारे पास जितने भी अभी केसेस आते हैं ना, क्लासिक ऑटिज्म से ज़्यादा केसेस वर्चुअल ऑटिज्म के हैं. कि बच्चा, इसमें मेन साइंस क्या है ना, कि बच्चा पहले नॉर्मल था, अभी ऐसा हो गया. और स्क्रीन टाइम एक इम्पॉर्टेंट है, या तो वो अकेला था, ठीक है, या तो कोई मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है, दो ही पेरेंट्स हैं, वो अपने वर्क में बिजी थे और ये खुद में खेलता था, राइट. हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं होता, आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है. तो सेम ऑटिज़म के सिम्टम्स ही इसमें होते हैं. ओके, बट इसको वर्चुअल ऑटिज़म कहा गया है क्योंकि इट इज़ नॉट रियल. वो स्क्रीन टाइम की वजह से है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रियल, क्योंकि हमें जो दिख रहा है वो कुछ रियल है नहीं, बस हमें विजुअल और ऑडिटरी मिल रहा है. ओके, या तो आप घर में बच्चों को वेसल साउंड करके ड्रम्स जैसा कुछ खेल सकते हो. सो देर आर मैनी वेज टू इन्वॉल्व किड्स विथ यू. ओके, सो डू दैट एंड कीप योर चाइल्ड सेफ.
उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में मत आने दो, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट, बहुत कुछ करना पड़ता है हमें। अभी जो आप टाइम दोगे ना बच्चों को, सो वो नॉर्मल डेवलपमेंट में आएगा, बट इफ़ ही गोज इन टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम देन आपको और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? सो वो क्यों करें, बच्चों को नॉर्मल ही डेवलप करेंगे तो इट विल बी गुड, राइट? आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। सो थोड़ा टाइम स्पेंड करो बच्चों के साथ, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, प्रैक्टिकल वेज, आप सब्जी ला रहे हो तो उसको सॉर्टिंग करना सब्जियों के साथ सिखाओ, ठीक है? डिफरेंट मतलब टोमेटो सब एक जगह पे रखो, मिर्ची सब एक जगह पे रखो, आप करके बताओ। अगर सब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिजिकल प्रॉम्प्ट्स के साथ बताओ, राइट? सो इन्वॉल्व किड्स लाइक दिस, राइट? एंड कीप योर चाइल्ड एवरी टाइम इन्वॉल्व विथ यू, डोंट लिव हिम अलोन, ओके? बिकॉज देर आर मेनी चांसेस दैट इस कोविड में भी बच्चे शायद वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार हो सकते हैं, बिकॉज फिर से कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड पेरेंट्स को टाइम नहीं रहेगा। बट जितना भी टाइम है आपके पास उसमें इसका इंटरवेंशन बस एक ही है, जो आपने नहीं किया वो स्टार्ट कीजिए, बच्चों को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कीजिए, आपका टाइम दीजिए। यही मैं बोलूँगी कि सबसे अच्छी थेरेपी है पेरेंट्स टाइम, पेरेंट्स वैल्यूएबल टाइम, ओके? सो बी सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग, थैंक यू। अगर कोई डाउट्स है सेंसर इंटीग्रेशन के रिलेटेड, आपको डाउट है कि बच्चे का सेंसर इंटीग्रेशन कैसे डेवलप करना है, तो आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो, देन काइंडली ईमेल मी, इट इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, थैंक यू। सो पेरेंट्स, ये हम दोनों की तरफ से एक छोटा सा इनपुट था कि कोविड का टाइम है, हम अपने दोनों ही, डॉक्टर रजिता और मैं, आप लोगों के, क्योंकि हम अभी हमेशा से ही आप लोगों के साथ हैं और मैं चाहती हूँ कि ये जो सपोर्ट है ये हम लोग कंटिन्यू करें। और मेरे को लगता है कि कोविड में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था डिस्कस करने वाला। इवन आप लोग बहुत सारे पेरेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैम जो एक घंटे का स्क्रीन टाइम देना है तो उसको भी कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। तो आप लोग नोटिस करेंगे आने वाली 6-7 वीडियोस में मैं इस चीज़ पे भी वीडियो लेके आऊँगी कि जो एक घंटा का आपको स्क्रीन टाइम देना है उसको भी हम कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स, कीप शेयरिंग अवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।